पाकिस्तान ताल ठोक रहा था। भुट्टो कहता था कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन हिंदुस्तान से जीवन भर युद्ध करेंगे। वो पाकिस्तान अब गिरगिरा रहा है। पाकिस्तान की जनता यूट्यूब पे डिमांड कर रही है कि हिंदुस्तान हमसे कहां से कहां चला गया। कल इमरान खान कह रहा था कि हम 80 के दशक में जब भारत जाते थे तो हम खुद को भारत से ज्यादा विकसित महसूस करते थे, 90 आते आते हम भारत के पैरेलल में हो गए। अब फर्क ये पड़ गया है कि बांग्लादेश हमसे आगे आ गया और हिंदुस्तान हमारी पहुंच से बाहर। लगभग लगभग इमरान वही बात बोल रहा है जो हम लोग लगातार कहते थे कि इस पाकिस्तान पाकिस्तान चूंकि इमरान जो बात बोल रहा है वो इमरान खान क्रिकेट की भाषा बोल रहा था, क्योंकि 80 के दशक में आपको याद होगा कि 80 के दशक में कहते हैं कि पाकिस्तान जब इमरान जावेद मियांदाद इस तरह खिलाड़ी थे पाकिस्तान हमसे बहुत आगे था, हॉकी में भी हमसे बहुत आगे था। दरअसल इमरान खान ने कहा था कि कश्मीर का फैसला क्रिकेट के मैदान में कर लो। इमरान दोगलाई ये कर रहा है कि वो क्रिकेट में हमसे मजबूत था उस दौर में, इसीलिए वो पाकिस्तान को मजबूत कह रहा है। पाकिस्तान हमसे मजबूत कभी नहीं था, कभी नहीं था, और आज तो खैर बहुत पीछे जा चुका हुआ है। इमरान खान ने वही बात कही कि क्रिकेट में वो जीतता था तो उसे लगता था कि पाकिस्तान एक विकसित राष्ट्र था भारत की नजर में, और मैं इसीलिए इस बात को जोड़ रहा था कि भारत के जिहादियों को जब क्रिकेट के मैदान पे पाकिस्तान जीतता था तो यहाँ के जिहादियों को पाकिस्तान जन्नत नजर आता था। आज वो पाकिस्तान तबाह हो रहा है सर, पाकिस्तान की संसद में कराह रहा है, पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ रही है कि हम एटम बम हमने नहीं गमाया है, हमसे एटम बम छीना नहीं गया है। खबर यह है कि पाकिस्तान से शर्त रखी है कि आटा यदि तुम्हें चाहिए, आटा दाल यदि चाहिए तो एटम बम हमारे हवाले कर दो। इसके क्या मायने हैं सर? मोदी जी, जहाँ से आपने शुरुआत की थी वहीं से शुरू करता हूँ। कि इमरान खान का जो बयान आपने बताया कि 80 में थे और 90 में हम बराबर आ गए थे, आगे निकल गए थे इंडिया से, तो ये समझ में आ रहा कि भीख मांगने की नौबत आ गई है, लेकिन बुद्धि की शुद्धि नहीं हुई है पाकिस्तानियों की। और इमरान खान का वो बयान है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई, वही है वो बता तो रहा है। सही बात है कि मनीष जी, पाकिस्तान के जो पीआईए है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसमें सन 68 में से ही कंप्यूटराइज बुकिंग शुरू हो गई थी। टिकट हमारे यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ टिकटिंग बहुत बाद में शुरू हुई, 80-84 के बाद। वहाँ सन 68 में कंप्यूटर आ गया था, और जिस समय हमारा देश में एम्बेसडर और पीएट दौड़ा करती थी, उस समय पाकिस्तान में ये जितनी गाड़ियां आजकल हम लोग आज देख रहे हैं, ये हांडा की और फोर्ड की गाड़ियां, ये पाकिस्तान में यही गाड़ियां चलती थी। तो ये इससे तो लगता है कि पाकिस्तान बहुत आगे था, हमसे बहुत कलर टीवी वहां बहुत पहले आ गया था। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से तो यही दिखाई देता है। लेकिन इमरान केवल इतना बताना भूल गया कि उस समय भी पाकिस्तान कर्जा लेके ही घी पी रहा था। वो कुछ उसका कुछ नहीं था, खुद वो सुई भी नहीं बना पाता था, साइकिल भी नहीं बना पाता था, सब कुछ। कभी कभी हसन निसार को सुनिए तो बताते कि टूथपेस्ट तो तुम बना नहीं पाते थे, टूथपेस्ट भी बाहर से आता था, साबुन बाहर से आता था। तो ये कर्जा लेके घी पी रहा था, मौज तो ले रहे थे। जो आदमी कर्जे से अपना जिंदगी गुजारता है, वो जब कर्जा लेता है उस समय, तो उसके बाद तो उसका उससे बड़ा राजा कोई होता नहीं है। लेकिन वो कभी तो भरता है ना वो कर्जे कर्जे का घड़ा, तो वो जो भरा है तो अब वो दिन में तारे नजर आ रहे हैं। तो उसने आधी बात सच बोली, जो आधी सच थी उसने नहीं बताई।